हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और क्वार्ट क्यों बंद कर दिए? और ओस इतनी ज्यादा आई हुई है, बहुत ही ज्यादा ठंड भी बहुत ज्यादा है आज। फिर से धूप निकलती है तब तो ये लगता है कि ठंड नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए मौसम, सुबह उठे तब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तैयारी हमारी सारी हो गई है, काम भी लगभग निपट गया है, गोबर बारी जारी जो भी काम है बस नहाना धोना बाकी है। और ये देखिए ये तैयारी सारी रितिका ने करती है, आधी मैंने की थी रात को, बस अभी बैग पैक कर लेते हैं। रितिका कोई ना जान दे डैनी ने, तो तू भी आ जाए तावड़ी सी। तू क्या करेगा नहाना कौन तन है? फिर अच्छा बेटा सारी आने सोना लगा तू तो डैनी मुंह ना ला जी क्या है कभी। और ये डैनी की कल स्वेटर बनाकर तैयार की थी, कल क्यों 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ी सी देर तो पहनता है, उसके बाद फिर इधर उधर ऐसे ऐसे घूमकर इसको निकाल देता है। मैं जावांगी मूंगफली के हमने इससे आदत क्या रखी सबकी, हम गली खुआ खुआ के न मूंगफली अच्छी लग गए हैं। खास है, खास है जो खा हो वो इसका गिर दो सो। बस तो सोनू आओगी, सोनू वाली में जाओगे साथ में। तो जी ये देख ली, ये साड़ियाँ तो मैंने रात को ही तैयार कर दी थी, किसी को ला कर दी ठीक कर दी गे। पन्नी मुश्किल मुस जान दे कोई बात को नहीं, अगला तो काट लिए है। आई बर फिटिपन में क्यों गाली किना बटिपने तो टाउ थी मटो के हम कुटुंडा लकड़ा ले टिपन तावड़ी थी वारो टिपन कौन का है ने इस मनु को कहां तो यो आवे कोनिया तेरे पापा किस आए पैकिंग करोड़ी है जिंदगी में है? ये मूंगफली, ये रेवड़ी और ये गुंजे, ये चूड़ी, ये हैं? खड़े को नहीं आ जाएंगे किस में? मेरा फोन मन तो खड़े गाल के देखियो सारे मित्र दिया लो ये धर अरे वो टिप्पण अपना शायद ज्यादा मुझे जा रहा आया है को नहीं है में बाकी सामान कड़ा होगा बाकी सामान और पैक में ले लो। अरे मेरा बैग ही लिया पिट्ठू बैग में डाल लो। तेरे तो इधर पीछे चीज मारो और की तो ले जाओ अर हैं बस कहा इसे इसे भी मजाक ना करे ले ठीक है इसी खजब की पैकिंग कर दी मन तो अच्छा और बस ये तो मिठाई मिठाई रहेगी मान गए मम्मी सची एक वो अचार का डब्बा भी तो है। हाँ अरे इधर ना भूल जाऊं पाछ। और ये तेल का अचार कब बनाया था मैंने किसी का जाने का मौका नहीं बैठा। तो ये तीनों चीज तेरे पापा पैक करेगा, इतनी न्यारी क्या करेगा, मन्ने मेरा सौदा पैक कर दिया है, मेरे रुमाल है यही मैं जाऊंगी अपना काम कर। तो जी बस अभी मैंने मेरी पैकिंग कर दी है और अभी जो थोड़ा बहुत सामान रखना है क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम भूल ही जाते हैं, जैसे अभी मैं स्याल रखना भूल गई थी, तो धीरे धीरे करके कुछ सामान अगर याद आता रहेगा तो रखते रहेंगे, बाकी मिठाई वगैरह जो कुछ रखनी है ये रख देंगे। और मैं नहा धोकर अभी तैयार हो लेती हूँ, माँ और रितिका रहेंगी घर पर, मैं ईशांत और ये जाएंगे क्योंकि एक जन तो घर पर चाहिए रहता है, तो रितिका को छोड़कर जाएंगे। माँ के तो कुछ समझ में भी नहीं आता है और माँ से काम होता भी नहीं है, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में तो फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं, सर्दियों में तो रजाई में से निकलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन हमारा जाना भी जरूरी था। कई साल से सोच रहे थे हम जाने की, लेकिन ठंड की वजह से ही हर साल रुक जाते थे। और ये देखिए, ये मैं कल एक शाल लेकर आई थी, बाजार से लेकर आना तो भूल गई थी मैं। सर्दियों में जा रहे हैं तो कोई एक ना एक तो गर्म कपड़ा होना ही चाहिए। मैं सोचा चलो शाल खरीद लेती हूँ। बोलना तो गे रही थी काकी मैंने कि मैं तो शाल भूल गए देना। जूते? हाँ सच में जूते। जुराब? जुराब कड़ा बैठक में दे रहे हैं इसमें ही जाने चले हुए तो पिट्ठू बैग में तो इसमें ही आ जाएगा साइड में। मैं जूते जुराब हो गया हूँ तेरे पर रही। हाँ ये तो उठा जाएगी मैं जुराब। मम्मी इस पे इधर जाली पे मुझे डाल लो काट के ना। ले जुराब अपना और दूसरा कलम की धरी है रिटी का जुराब इसी ले आओगे ना सारी पैर लेके अपनी। हाँ तो जी अभी बज गए हैं 10 और आज हमारी ट्रेन लेट हो गई है। 12:30 ट्रेन आने वाली है तो मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी। ये सिंपल सी साड़ी पहनी है मैंने और ये कपड़े कल रात को ही धुले थे, ऐसे ही तार पर डालकर छोड़ रखे हैं। चलो नमाज को नहीं जमा अभी तो अभी खाना बना लेते हैं। चाट रंद घी के चून मांडा रही थी का ला तो भाई रोटी पोलिया फिर ना धोके तैयार होके रोटी बनानी पड़ेगी। सारे नहीं धोती बांध रखी मन तो बना देगी के तो जी चलिए आज रितिका के हाथ की रोटियां खाते हैं और मैंने तो ना धोकर बाल बनाकर ऊपर रख लिया क्यों खा के न लेंगे। आज सुबह से अंदर काम में लगे हुए हैं और अंदर ठंड बहुत ज्यादा है। ये बात मैं आप सबको हर व्लॉग में बोल देती हूँ पर क्या करें हमारा सर्दी से हाल भी हाल हो रखा है। भीतर तो जाना बर्फ जमी पड़ी है जाना तक जाको सुती डालता हाथ भी जमा सीढ़े हो रही है। चलो आज ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई तो टाइम मिल गया आके करा लियो। तो पार्शाल और दर सिर सब की मैं वो साल पढ़िया गला टोपा लगा लो इना अभी हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं। 12:30 ट्रेन आने वाली थी तो हम 12 बजे पहुंच गए थे। 12 बजे भी हम भागम भाग ही घर से निकले थे। आज हमारी ट्रेन लेट हो गई थी इसी वजह से हमें मिल गई, नहीं तो 11 बजे वाली ट्रेन तो हमें मिलने वाली ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, ट्रेन 1 घंटा और लेट हो गई थी। और सर्दियों में ये सब तो चलता ही रहता है क्योंकि अभी ओस बहुत ज़्यादा रहती है। सुबह सुबह हम उठे थे ना काम करने के लिए तब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी ज़्यादा ओस आई हुई थी अभी। वैसे तो हल्की हल्की धूप निकलने लगी है दोपहर को, लेकिन
सुबह सुबह बहुत ज्यादा ओस रहती है। तो जी बस अभी हमारी ट्रेन आ गई है। मिर्ची कल इतनी सुतरी को कराने लगी थी। तो जी अभी बज गए हैं 3 और हम बस अभी हिसार से निकले हैं। वैसे यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। मैंने तो अपना टोपा ऊपर रख रखा है क्योंकि हवा लग जाएगी तो सिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। सफर में वैसे ही सिर दर्द हो जाता है। शांत को लगाई थी भूख तो बस हमने हमारी कोथली की शुरुआत कर दी। दिखता कौन चूंदा लग रहा ये कर दिया काड़ा तेने फोन का है फिर नु कहीं सब काला ना कह करो इन देखिए धुंधली धुंधली वीडियो आने लगी। अच्छा उर्ली गंध करके देखो। हाँ उर्ली गंध ठीक आवा है। अरे आज तू भी मेरे दौर है। ट्रेन बिल्कुल खाली है। शांतिया अरे आज पड़वा लिया सिर जब कौन पड़े और हम पहुंचेंगे 5 बजे। भूख लग रही थी शांतिया शांत को बड़ी जोर की भूख लगी थी। घर से खाना खाकर नहीं निकला था ये। हम तो खाना वाना खाकर चले थे। सुबह तो इसने रोटी को नहीं भाव थी। मैं कौन खाऊं लगी तुम भूख। सुबह 11 बजे लगे थे हम तैयारी करने में। वैसे तो मैं सुबह उठते ही लग गई थी तैयारी में लेकिन ये है कि 12 बजे हम घर से निकले थे। 1 बजे बैठे ट्रेन में और अभी बज गए हैं 4। फिक्स टाइम तो 4 बजे का ही रहता है इस ट्रेन का। 4 बजे ये सिरसा आती है और उसी टाइम पर हम पहुँच गए हैं। ट्रेन लेट थी तब भी 12 बजे आती तब ये रुकते रुकते आती तो हम 4 बजे यहाँ पर पहुँचते। आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी आई है और 4 बजे तक इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। हल्की हल्की धूप थी। अभी आगे का सफ़र हमें ऑटो में करना है। घर पहुँचते ही पहले तो हमने किया चाय नाश्ता और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर हमारी बातें चली और फिर देखने लगे थे ये रितिका की बुआ जी के लड़कों की शादी के एल्बम हो या फोटो हो। इससे हमारी ढेर सारी यादें जुड़ी रहती हैं। टाइम निकल जाता है बाद में फिर हम कभी बैठते हैं टाइम मिलता है तो देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आँखों के सामने ही घूम रहा है। बस यही सबसे बड़ा फ़ायदा है फ़ोटो खिंचवाने का क्योंकि टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है लेकिन जब भी हम हमारी फ़ोटो देखते हैं तो हमें याद आता है ये पहना था ऐसे किया था ऐसे किया था। उन फ़ोटो के साथ हमारी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई रहती हैं। और बाकी शहर का रहन सहन तो ऐसा ही होता है। पूरा दिन अंदर अंदर अपने काम में लगे रहो बैठ जाओ बातें कर लो। तो आते ही हम थोड़ी सी देर तो बैठ गए थे छत पर। तब तो थोड़ी थोड़ी धूप थी। ठीक टाइम पर पहुँच गए। वैसे हम जिस हिसाब से हमारी ट्रेन चल रही थी ना मुझे लग रहा था कि लेट हो जाएंगे और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ठंड होने के बाद तो फिर ये है कि तबीयत भी डाउन हो जाती है। मुझे तो ठंड बड़ी जल्दी लग जाती है और इसलिए मैं तो घर से ही टोपा सिर पर रख कर चली थी क्योंकि तो जरा सी हवा लगती है तो मुझे सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीमार होने से अच्छा है कि हम पैन ओढ़ कर चलें क्योंकि हमें पता रहता है हमारी तासीर कैसी है। मुझे पता है कि जरा सी हवा लगेगी तो सिर दर्द तो होना ही होना है बाकी तो सर्दी लगे ना लगे। तो जी बस अभी रितिका की बुआ जी भी आ गई थी। अभी तक किसी काम से गई हुई थी। तब तक हमने चाय नाश्ता किया एल्बम देखी और अभी इनको दिखा देते हैं इनके कपड़े जो जो हम लेकर आए हैं। तो जी अपनी तरफ से तो बेटी वाले सभी कोशिश करते हैं। बाकी इनके यहाँ ससुराल का तो कोई सिस्टम है नहीं क्योंकि शहर का रहना है तो बस अपना अपना ही परिवार है। गाँव में रहते हैं तो देखिए घर परिवार रहता है गाँव का अलग रहन सहन रहता है। और बेटी के यहाँ कोई भी जाता है ना तो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करता है
कि जितना हमसे हो सके उतना हम लेकर चलें, तो हमसे जितना बन पड़ा उतना हम भी लेकर आए हैं। तो अभी लेती हूँ आप सबसे विदा। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। और अभी बज गए हैं लगभग 7:30, तो गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कल है सकरात, तो आप सबको मेरी तरफ से सकरात की राम राम।